स्वागत है आप सबका डिवाइन डीसी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले आपके साथ अपनी कुछ अनुभव शेयर करूंगी और उसके बाद इस टॉपिक को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहला मेरा जो अनुभव है कि जो हम सबके कुल देवी या कुल देवता होते हैं, हमें रेगुलरली उन मंदिर की विजिट करनी चाहिए। आपको पता है कि घर में जब भी नई शादी होती है, नया बच्चा होता है, कोई भी नया काम होता है, तो हर मतलब जो भी रिलीजियस फैमिली है, समझदार परिवार है, वहाँ पे तो रिवाज होता ही है कुल देवी जी को या कुल देवता जी की विजिट करके वहाँ पे शीश झुकाने का। तो मैं जब भी अपनी माँ, गड्डी माँ बोलते हैं उनको, जब भी मैंने वहाँ पे शीश झुकाया है, मैंने इतना कुछ पाया है। सबसे पहले तो पावर, हीलिंग, पॉजिटिविटी, रास्ता और अबंडेंस हर एक एरिया में। मतलब मेरे, मुझे ऐसा लगता है रास्ते कट 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 खुलने लगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं माँ, मैं आपसे फिर नेक्स्ट कब मिलने आऊँगी। तो किसी शक्तिपीठ पे जाके आपकी हीलिंग हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है, कैसे आपको महसूस होगा कि आप पहली बार गए तो आप बहुत दुख दर्द में गए थे, सेकंड टाइम ये गए तो आपका स्तर बढ़ चुका है, आपके दुख कम हो चुके हैं, आप अंदर से पावरफुल हो चुके हैं, अब आप और शक्तिशाली हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, आपका जीवन बदल चुका है। फिर कुछ चैलेंजेस आएंगे, आप उसको सक्सेसफुली पार कर जाएंगे। तो ये एक मेजरमेंट है कि कोई भी शक्तिपीठ पे जाने से आपको कितनी शक्ति मिलती है। मतलब माता रानी का मंदिर, मेरी जो कुल देवी जी है, मतलब आई जस्ट लव विजिटिंग दैट टेम्पल। मुझे लगता है कि वैसा पावर। सेकेंड इंसिडेंट, सैटरडे संडे मैं अपने दोस्तों के साथ कई बार बाहर जाती हूँ, 2 दिन का प्लान करते हैं, सबके सब आते हैं, अब सबकी पर्सनल लाइफ है, बाल बच्चे, घर, पति, सब छोड़ के कि 2 दिन दोस्तों के साथ, 2 दिन यू नो, एक सच्ची दोस्ती जिंदगी के। तो हम गए थे एक बार विल्सन हिल्स का, हम लोगों का प्लान था, यहाँ पे पास में है वो, 4-5 घंटे के ड्राइव के ऊपर। लेकिन जैसे ही हम गए वहाँ पे, सेकंड वेव चल रही थी कोरोना की, तो उन्होंने बोला आप अंदर नहीं जा सकते। तो पास ही में पहाड़ पे एक माता रानी का मंदिर है, शक्तिपीठ है। मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि चलो वहां चले जाते हैं, वी ऑल अग्री, वी वेंट देयर। और जैसे ही वहां पे मैंने माता के दर्शन किए, मुझे एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही पावर, एक अलग ही यू नो, जिसको बोलते हैं एक अंदरूनी खुशी, सुकून वाली खुशी महसूस हुई। वो एक दूसरा अनुभव। तीसरा अनुभव, विद द सेम ग्रुप आई वेंट देयर, उन्होंने बोला तो सिर्फ कपड़े लेके आ जा, हम यहाँ वहाँ घूमने जा रहे हैं। तो व्हाट हैपन, जब संडे निकले तो घूमने तो गए नहीं, फिर टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला पास में मंदिर है पहाड़ पे, पावागढ़, बहुत अच्छी जगह है, वी शुड गो देयर। अच्छा, वी ऑल अग्रीड, हम लोग गए। और वहाँ पे तो भाई साहब, जैसे ही मैंने दर्शन किए, मतलब द एनर्जी ऑफ दैट प्लेस इज अमेजिंग। तो वहाँ पे भी सेम अनुभव, मुझे इतना डिवाइन, इतना सुकून, और उसके कई कई दिन तक आई जस्ट कीप फीलिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी इन साइड मी। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी आत्मा जग गई, मेरी पॉजिटिविटी आ गई। वहाँ पे एक और अनुभव ये था कि जैसे ही मैं दर्शन करने गई, पीछे बहन चिल्लाई और वो जोर जोर से रोने लगे। पहले मुझे इसका कारण समझ में नहीं आता था, अब मुझे समझ में आता है कि ऐसे शक्तिपीठ पे जाके लोगों को ये सारे दर्द निकल जाते हैं, वो रोने लगते हैं, जिनको रोना आता भी नहीं है वो रोने लगते हैं। तो उनकी जो इमोशनल ऑटोमेटिक हीलिंग होती है ना, फिर रोना बहुत जरूरी है, कई बार इंसान इतने दर्द में होता है तो वो ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाती है। तो वहां पे भी अगेन डिवाइन अनुभव। तो मेरे काफी सारे अनुभव के बाद मुझे पता चला कि मेरे क्लाइंट्स के साथ, जिनके साथ, जहां मैं देख पा रही हूँ उनके कुंडली को देख के कि ऐसी महादशा है, ऐसी ग्रह स्थिति है, उनसे बात करके भी समझ में आ रहा है कि इनकी मानसिक स्थिति इतनी वीक हो चुकी है कि ये, अगर इनको मैंने पॉजिटिव प्रैक्टिस सजेस्ट की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो ये इतनी तक कर पाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या। तो आई ऑलवेज सजेस्ट देम दिस एज अ स्पिरिचुअल रेमेडी, कि अपने शहर के कोई भी शक्तिपीठ, कोई भी मंदिर, कोई भी भगवान का मंदिर, जहाँ पे आपको फेथ हो, आपको पूरा विश्वास हो, आप वहाँ पे विजिट कीजिए, आप तीर्थ यात्रा कीजिए, ताकि यू नो आपके पुण्य का खाता बढ़े। सीधी सी बात है, आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिले, आपकी ऑरा क्लीन हो, क्योंकि ये जो सारे के सारे शक्ति के स्थान है, चाहे आपके शहर में हो, आपके घर के पास हो, आपकी कुल देवी कुल देवता हो, या कोई भी तीर्थ धाम हो आपके शहर के पास, वहाँ पे शक्तिपीठ है, वहाँ पे शक्ति का संचार हो रखा है, वहाँ पे इतनी पॉजिटिव, इतनी पावरफुल ऊर्जा है कि वहाँ पे जाते ही इंसान का अंदर का दर्द जो है वो धुलने
होने लगता है, उसको अपना पावर महसूस होने लगता है, नेगेटिविटी रिलीज होने लगती है। तो जो लोग बहुत निराश महसूस करते हैं, जो लोग बहुत रुका हुआ महसूस करते हैं जीवन में, उनको हमेशा अपने इष्ट देव के उस भगवान के मंदिर सतत जाना चाहिए। सबसे पहले अपने ऑरा प्रोटेक्शन के लिए, सेकंड अपने अंदर पावर डेवलप करने के लिए, थर्ड अपने लिए प्यार डेवलप करने के लिए। दोस्तों इस चैनल पे मैं वही चीजें शेयर करती हूँ जो मेरे अनुभव में है, या तो मैंने अपने क्लाइंट को सजेस्ट की है और उन्होंने बोला है कि मैम ये काम कर रहा है, तो प्लीज इसको कीजिए अगर किसी के साथ रेजोनेट हो रहा है तो। If it is working for you, then इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। और अगर जिनको बहुत तकलीफ है, जिनको बहुत नेगेटिविटी महसूस होती है, वो तो प्लीज 11 दिन, 21 दिन, एक महीने के लिए डेली टेम्पल जाइए। वहाँ पे शक्ति पीठ है, वहाँ पे ऊर्जा का संचार है, वहाँ पे पावर है, वहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आपको सब कुछ मिलेगा, आपकी ऑटोमेटिकली हीलिंग स्टार्ट होगी, आपको खुद ब खुद आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी, माइंड का क्लटर कैसे रिमूव करना है, या तो फिर आपको ग्रैटिट्यूड देना है, सेल्फ लव करना है, तो कैसे करना है, वो रास्ते निकलने लगेंगे। अपने आप को एक और चांस दीजिए और एम्पावर कीजिए। तो ये मेरा अनुभव और ये एक रेमेडी है अपने किसी भी तीर्थ स्थान को, धर्म स्थान को, क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं ये सी चीजें बोल रही हूँ, पर आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, कनेक्ट विथ योर गॉड, कनेक्ट विथ योर स्पिरिचुअलिटी, कनेक्ट विथ योर सोल। इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं है अपना ग्रोथ करने का। इससे मटेरियलिस्टिक अबंडेंस भी इतना ज़्यादा बढ़ता है, आप जो चाहते हैं वो होने लगता है। इट्स जस्ट दैट आपको खुद पावरफुल होना पड़ता है। और इन स्थानों पे जाके पता नहीं क्या है कि जादू होने लगता है सच में। सो जस्ट गो देयर। इंसान अपने अंदर की जो शक्ति है उसको जगा लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वो किसी तीर्थ स्थान पे जाता है, शक्ति स्थान पे जाता है, तो उसके अंदर एक शक्ति जाग जाती है। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।